इनकी फिर शुरू हो सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ, जो घोषणा पत्र में दिया उसको पूरा करें, ये डिमांड इनकी है। हम इसके इनके साथ में है, पूरा देश इस मोमेंट में इनके साथ में। सरकार इनको एक अलग सी जगह भी नहीं दे पा रही है कहीं पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आंदोलनकारियों को कहां जगह दे रही सरकार, पूरे देश का सिस्टम है कहां दे रही है। जंतर मंतर पर भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, जंतर मंतर के लिए याचिका दायर की गई है। देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और देश जो है आज तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। ये बहुत ही दुखद है, कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी बात कहने अगर देश की राजधानी में आने से उसे रोका जाता है। तानाशाही और किसको कहते हैं, यही तानाशाही। ठीक है साहब, मार्च से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अब जो है अक्टूबर आने वाला है, अब आप भी आए हैं, क्या लगता है कितना समर्थन आप लोग इस आंदोलन को देने वाले हैं? आंदोलन जो है, जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चला, ये कितने दिन चलेगा देश में और आंदोलन कितने दिन चलेंगे, ये तो जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा आंदोलन चलते रहेंगे। और हमारी जहाँ तक समर्थन देने की बात है, हम हमेशा आंदोलन और आंदोलनकारियों का समर्थन करते रहेंगे। ठीक है साहब, आपकी जो बात हुई है अभी अंदर, तो उनसे क्या बात हुई है आपकी? वे तो अनशन पे हैं, उन्होंने कहा कि जो घोषणा पत्र में दिया है और जो सरकारों ने वादे किए हमसे इलेक्शन से पहले उसको पूरा करें। ये अनशन कितने दिनों तक चलेगी? ठीक है, क्या पता कितने दिन तक चलेगा अनशन, आंदोलन का क्या पता। तो ये सरकार बहुत तानाशाही सरकार है, एक देश की राजधानी 13 महीने तक किसानों ने घेर कर रखी, तो 13 महीने का तो लगा ही लो। राकेश टिकैत का जब नाम लिया जाता है तो फार्मर्स अपने आप जुड़ जाता है, किसान नेता है, तो क्या पूरा जो समस्त किसान वर्ग है वो इस आंदोलन में सपोर्ट करेगा? सब साथ में बिल्कुल सपोर्ट करेगा। किस तरीके से समर्थन देने वाले हैं आप? हम तो वैचारिक समर्थन हमारा है, ये अपने घोषणा पत्र में रखेंगे, हम जो हमारी डिमांड है उसमें रखेंगे। सर, हाल के चुनाव में जैसे कि आप कहते हैं कि चुनाव को फिर असर देखा जाएगा इन सब प्रोटेस्ट का, लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं पे, हरियाणा इलेक्शन हो जाएगा दिखने का ही नहीं, कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा हो जाएगा, राजा कानून के घर में चले जाएगा, तो दिखने का ही नहीं, और देखो तो इंतजार करो। फिर आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे सर? ये बढ़ रहा ना आंदोलन, तो ये बढ़ तो रहा आंदोलन। पहली बार आए हैं आज आप? नहीं नहीं, वहाँ पे भी गए थे। हाँ। इनको पकड़ा तो वहाँ पे भी गए थे। डिटेन किया गया था, क्या गलती है? वहाँ से यहाँ सिर्फ आंदोलन अपनी शांतिपूर्ण तरीके से आए, अपने समर्थकों को लेकर आए, यहाँ बाहर लद्दाख हाउस के बाहर में यही तो आंदोलन है, तानाशाही के खिलाफ यही तो आंदोलन है। जंतर मंतर तक का सफर पूरा होगा? और ये जंतर मंतर ये जहाँ पे आदमी बैठ गया वही जंतर मंतर, क्या देश भाई लिखना ही तो यहाँ पे जंतर मंतर लिख दो, यही यही जंतर। ठीक है साहब, क्या वजह है कि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही सरकार, इनकी मांगे नहीं मान रही? अहंकार है, अहंकार है सरकार। ठीक है साहब, ये यहीं बैठे रहेंगे या कोई अगला कदम भी बताया कि अब क्या करेगा अगला कदम? भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं बेसिकली, हमने इनको अपना समर्थन दिया। क्या देश में अघोषित आपातकाल है, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का भवन भी पास नहीं है, तो मिलने आएंगे प्रधानमंत्री? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, वे जब मन में चले गए, जब कोई प्रधानमंत्री आंदोलन के बीच में आता। सरकार और इनके बीच की जो इंटरेक्शन खत्म हो गई है वो कब से शुरू होने की उम्मीद है? अभी नहीं पता, इनकी कमेटी है यहाँ पे जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ में हैं।